मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में नर्मदा के जल स्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बाद अब प्रशासन भी अपनी हठधर्मिता पर उतर आया है। प्रभावितों के प्रति अधिकारियों की संवेदनाएं भी लगता है मर चुकी है। राजघाट के लोग चारों तरफ पानी से घिरे हैं और उनके आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र साधन रह गया है। अभी नर्मदा का जल स्तर 131 मीटर से ऊपर बना हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर भी जब राजघाट के टापू पर रह रहे प्रभावितों से मिलने के लिए पहुंची तो उन्हें भी नाव उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रशासनिक अधिकारियों का ये तानाशाही रवैया लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जब मेधा पाटकर को नाव में नहीं बैठने दिया तो उन्होंने प्रशासन के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया तो वे राजघाट के नाविक की छोटी सी नाव में सवार होकर टापू बने स्थान पर पहुंची। मेधा पाटकर ने कहा कि नाव में न बैठाना राजघाट के लोगों को जेल में रखने जैसा निर्णय है। यहां पर उन्होंने प्रभावितों से चर्चा कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। जानलेवा न साबित हो जाए प्रशासन का अड़ियल रवैया, राजघाट में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के बजाय प्रशासन ने अपना अड़ियल रवैया अख्तियार कर लिया है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। तो ये किसके आदेश से मना करा है लोगों को ले जाने से? क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने बोला उधर से गांव में जाए तो उनको लाभ समान रिटर्न मत ले जाओ। रिटर्न मत ले जाओ। कितने बसे हुए गांव के अंदर? 50-60। कैसे कर रहे हैं आना जाना? वो अभी कोई प्राइवेट साधन नहीं मिला उससे जा रहे हैं, कल तक हम छोड़ देते हैं। पानी आने के क्या हम टापू में घिरे हुए हैं और बच्चों को रोज़ हमको स्कूल वगैरह ले जाना है, सामान लेने जाते हैं तो यहाँ शासन की कोई व्यवस्था नहीं हमारे लिए। हम हमारी प्राइवेट बोट से आते हैं। कितने लोग बसे हैं राजघाट? राजघाट में करीब करीब 100 आदमी वहाँ पे है अभी। प्रशासन का क्या रवैया है आपके प्रति? प्रशासन तो ताना सही हमको बिठा के ले नहीं जा रहे ना। यहाँ पे पूछते हैं नोडल अधिकारी तो उधर से बोले कि इधर से आओ तो इधर से जाने नहीं देते और बोट भी बिठाते नहीं। हल तो पहली बार हमारे राजघाट वाले बिठाए नहीं। आज भी सुबह करीब 50 आदमी बड़वानी के वहाँ पे नहा रहे। आप लोगों के साथ सौतला व्यवहार क्या है? सौतला व्यवहार हो रहा है ना। तो लाइट है वहाँ पे राजघाट? लाइट तो कल वो मंत्री साहब आए जब जोड़ी, नहीं तो 4 दिन से लाइट नहीं थी। वहाँ पे चीता वगैरह घूम रहा है, आज भी उसके पैर देखो, रात में भी आया था चीता। तो हम तो उससे भयभीत है ना, लाइट भी काट देते हैं। बाकी लाइट अभी चालू करी क्यों रहे हो? टापू बन गया फिर भी हमारी समस्या है, हमको रास्ता बना के नहीं दिया। आपको मुआवजा नहीं मिला है? नहीं, मुआवजा क्या, हमारे खेत बाकी है ना। ये जो दिख रहे हैं सामने, ये 35 एकड़ हमारी ज़मीन है, वहाँ पे हम खेती कर रहे हैं। अगले साल भी हमारा के लाखों रुपए का 17 में नुकसान हुआ था। तो जब भी बोला था तो वो अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया, बोले कि जब पानी भरा आएगा और हम देखेंगे उसके बाद भी तुमको रास्ता बना के देंगे, है ना। तो आज तक उन्होंने रास्ता नहीं किया और आज भी हमारी वो फसल है, उसके लिए कौन चौकीदारी करे? शिकायत की संबंध में? शिकायत तो हमने 17 से चल रही है, हमारे पास में है, लिखित में भी है, सीएम हेल्पलाइन में भी की है। ये चलता आया कि 40,000 रुपए बताते हैं महीने का भाड़ा और देते हैं 22,000 या 23,000 रुपए। अभी इनको 23,500 रुपए देकर बोटे खड़ी है, डूब में आएगा राजघाट तो क्या घर ये बोटों में बिठा के घूमेंगे क्या मवेशी और सामान के साथ? तो ये बोटे राजघाट के लोगों के लिए पहले काम में आनी चाहिए। प्रशासन रोक रहा है, भक्तों को पूजा के लिए ले गए वो अच्छा किया, लेकिन राजघाट के मूल निवासियों को अपना अनाज या सब्जी लेकर भी नहीं जाने देना, ये गलत कर रहे हैं। ये भी रोका है क्या? ये देखिए राजघाट की पूरी खेती डूब में है। ये किसकी खेती है? ये धर्मेंद्र दरबार जैसे की खेती है। इनको गुजरात में रहना संभव नहीं। इनके 2 भाई सूरत में हीरा का काम कर रहे हैं, महेंद्र भाई बता रहे, और धर्मेंद्र द्वारा रोका गया है। एसडीएम क्यों नहीं बोटे गांव के लोगों के लिए दे रहे? हमारी भी आंदोलन के रूप में जिम्मेदारी बनती है। तो आपको भी रोका गया, आपको भी नहीं जाने दे रहे थे? नहीं बोल रहे थे, पर अभी तो जो स्थानियों ने बोट लाई है उसमें हम जा रहे हैं। सरकार ने जो कब्जे में रखी है उन बोटों को सबके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम पर्यटक लोग नहीं है, जो जिम्मेदारी मानकर जा रहे हैं और जो गाँव के मूल निवासी है उनको तो जाने देना ही चाहिए। आज अगर मंत्री महोदय को विजिट करनी है तो वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल है। पुलिस किस लिए रोके हैं यहाँ, ये सवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।